महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन की आग फैल भी गई है और हिंसक भी हो गई है। कल भी महाराष्ट्र के कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन मराठा आंदोलन को लेकर आज मुंबई समेत आसपास के जिलों में बंद का ऐलान किया गया है। आज मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे, कल्याण, सतारा और नासिक में बंद बुलाया गया है। इस दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया गया है और साथ ही मुंबई में स्कूल, कॉलेज और लोकल सेवा पर बंद का असर नहीं होगा। सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 16% आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज आंदोलन कर रहा है, जो मामला अब कोर्ट में लंबित है और ये वादा बीजेपी की तरफ से किया भी गया था चुनावों के दौरान। मराठा आंदोलन को लेकर सबसे ज्यादा गर्म जो है वो औरंगाबाद रहा है। दरअसल पिछले दो दिन में हुई हिंसा की शुरुआत कहीं ना कहीं औरंगाबाद में एक आंदोलनकारी की आत्महत्या के बाद हुई। परसों औरंगाबाद में काका साहेब शिंदे ने नदी में कूदकर जान दी थी। परभणी में भी बसों में तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी की गई थी। कल भी औरंगाबाद में एक युवक ने जान देने के लिए नदी के सूखे हिस्से में छलांग लगा दी, जो गंभीर हालत में इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। कल उस्मानाबाद में पथराव में एक कांस्टेबल की भी जान गई, जबकि औरंगाबाद में शिवसेना सांसद चंद्रकांत खरे के साथ बदसलूकी की गई, उन पर पथराव किया गया और उन्हें भगा दिया गया। तस्वीरों में जरा आप देखिए, शिवसेना सांसद पर पथराव हुआ है और शिरडी में एक आंदोलनकारी तो पानी की ऊंची टंकी पर चढ़ गया। ये दूसरी तस्वीर आप शिरडी की देख रहे हैं और ये पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ ये शख्स जो कि आरक्षण की मांग कर रहा है। और मुंबई के अलावा कहां कहां फैला हुआ है मराठा आरक्षण का ये आंदोलन, आइए वो आपको बता देते हैं कि कहां तक आखिर इस पूरे आरक्षण की चिंगारी फैली हुई है। औरंगाबाद, नासिक, धुले, जालना, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, कोल्हापुर और आज ये जो आग है ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई बंद रहेगी आज। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे मराठा हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। औरंगाबाद से लेकर ठाणे तक सड़कों पर आगजनी कर रहे मराठाओं ने आज मुंबई बंद का ऐलान किया है। बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी पर मराठा आंदोलन के नाम पर हिंसा फैलाने का आरोप लगा रही है, तो शिवसेना हिंसा के लिए सीएम फडणवीस को जिम्मेदार बता रही है। मराठा आरक्षण की आग में जल रहा है औरंगाबाद, मराठाओं का सड़कों पर बवाल, पुलिस पर किया पथराव, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में लगा दी आग, औरंगाबाद पुणे हाईवे हुआ बंद। शिवसेना सांसद चंद्रकांत खैरे से धक्का मुक्की, हिंसा पर उतारू है मराठा। नौकरी शिक्षा में 16% आरक्षण की मांग, मराठा आरक्षण की आग कौन फैला रहा है? आरक्षण की मांग पर सड़कों पर उतरे मराठा अब की बार सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। औरंगाबाद से लेकर बीड तक सड़कों पर बवाल कर रहे मराठा सरकार को खुली चुनौती दे रहे हैं। औरंगाबाद में मराठाओं ने पुलिस वालों को दौड़ाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों तक को फूंक दिया, तो शिरडी में सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया। ठाणे में सड़क पर मुख्यमंत्री हाय हाय के नारे लगने लगे। और जब शिवसेना के सांसद चंद्रकांत खेरे औरंगाबाद में काकाजी शिंदे के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि देने पहुंचे, तो गाड़ी पर पथराव कर सांसद को दौड़ा दिया। हिंसक होते मराठा आंदोलन की आग से सरकार बेबस और लाचार नजर आ रही। ओबीसी कोटे के तहत नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण की मांग करने वाले मराठा अब किसानों के लिए मुआवजे से लेकर सरकारी पदों पर हुई भर्ती रद्द करने की मांग करने लगे। अगर 2 साल से मांगने के बाद में भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो मराठों को न्याय छीनने आता है। करीब 1 साल पहले शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले मराठा अब हिंसक हो चुके हैं। आगजनी पर उतारू मराठा समाज ने मुंबई बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने 72,000 सरकारी नौकरियों में मराठाओं को आरक्षण का आश्वासन देकर जो लॉलीपॉप थमाया था, उसकी मिठास मराठाओं के दिल से अब खत्म होने लगी है। मराठा समाज हिंसक आंदोलन से सरकार पर दबाव बना रहा है। औरंगाबाद में काका साहेब शिंदे की खुदकुशी के बाद हिंसक हुए आंदोलन के लिए शिवसेना सीएम को जिम्मेदार बता रही है।
महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मराठा समाज भी आज सड़क पर उतरा है। सबसे पहले ये समाज ने बहुत शांततापूर्ण ढंग से अपना आंदोलन किया था, मूक मोर्चा निकालते थे, अब उस मूक मोर्चा का हो गया ठोक मोर्चा, सड़क पर उतरा है, हिंसा करते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी पर मराठा समाज से झूठ बोलकर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रही है। सत्य बात मराठा समाज को न बताते हुए उनको गुमराह करने का काम दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से राष्ट्रवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता कर रहे हैं। जहां पर भी कानून हाथ में लिया जा रहा है वे सारे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता हैं। आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे मराठाओं की महाराष्ट्र में करीब 4 करोड़ यानी 33% आबादी है। मराठा आरक्षण का मुद्दा फिलहाल कोर्ट में है। मराठा पिछड़ा वर्ग कोटे के तहत आरक्षण मांग रहे हैं। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण मांग रहे हैं। जब तक आरक्षण पर हाईकोर्ट की लगाई गई रोक पर फैसला नहीं आ जाता तब तक सरकार 72,000 नौकरियों की मेगा भर्ती पर रोक लगा दे। कोपर्टी बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। और जब सरकार मराठाओं की शर्त मानने को तैयार नहीं हुई तो आंदोलन अब हिंसक हो चुका है। शिवसेना के अलग राग अलापने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को 2019 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में अकेले ही कड़े इम्तिहानों का सामना करना है। कल आंदोलन के चलते सीएम देवेंद्र फडणवीस के पंढरपुर में भगवान विट्ठल की पूजा नहीं करने के फैसले से मराठा समाज नाराज होकर सीएम का इस्तीफा मांग रहा है। मराठाओं की नाराजगी सीएम फडणवीस और मोदी दोनों की राह को मुश्किल कर सकती है। औरंगाबाद से जितेंद्र दीक्षित के साथ मुंबई से गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। और देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, शिवसेना जो कि सरकार में शामिल है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ आरोप लगा रही है कि सरकार जिम्मेदार है इस पूरे आंदोलन के पीछे। महाराष्ट्र में मराठा समाज की आबादी करीब 33% यानी कि 4 करोड़ के आसपास है। ऐसे में कोई भी सरकार इस समाज को नाराज नहीं कर सकती। फडणवीस सरकार भी मराठा समाज के गुस्से से बचने के लिए फॉर्मूला लेकर आई है। आइए वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला क्या है सरकार का। शिक्षा में मराठा छात्रों को ओबीसी के बराबर आरक्षण और इसके अलावा हर जिले में मराठा हॉस्टल खोलने का ऐलान भी सरकार की तरफ से है। ये फॉर्मूले में शामिल है। मराठा आरक्षण का मामला पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा जाएगा और इसके अलावा मेगा भर्ती में मराठाओं को 16% आरक्षण दिया जाएगा। तो मराठा आरक्षण की इस पूरी आग पर हमारी नजर लगातार दिन भर बनी रहेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। आज मुंबई बंद है, चप्पे चप्पे पर रिपोर्टरों की नजर। जितेंद्र दीक्षित, उमेश कुमावत, गणेश ठाकुर, मृत्युंजय सिंह, अंकित गुप्ता, पिंकी राज पुरोहित, ऋत्विक मंत्री, अक्षय, वैभव और रश्मि। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।